मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, नाउन जेंडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज जेंडर। सो क्या होता है जेंडर? द नाउन दैट रिप्रेजेंट, द नाउन दैट टेल अस अबाउट मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर कॉल्ड जेंडर। द नाउन दैट टेल अस अबाउट मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर कॉल्ड जेंडर। यानी ऐसे जेंडर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लिंग। हिंदी में आप पढ़ते हैं ना लिंग, वो ही उसी को हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होगा हिंदी में इसका मतलब? कि ऐसे नाउन जो हमें किसके बारे में बताते हैं? मेल और फीमेल के बारे में बताते हैं, जिससे हमें मेल और फीमेल होने का पता चलता है, वो होते हैं जेंडर। ठीक है। सो here in this class there are three types of gender. First is masculine gender, second is feminine gender, third is common gender. So what is the example of masculine gender? Kya example hote hain masculine gender ke? Examples are man, boy, horse, king, and इसके अलावा king हो गया, boy, man, and इसके अलावा fox, okay? इस तरीके से जो भी example होगी वो किसमें? Masculine gender में होगी। ठीक है, जो male members को represent करते हैं। अब masculine gender की definition क्या होगी? The noun that represent the male members are called masculine gender. ऐसे नाउन जो क्या किसको बताते हैं, जिससे हमें किसका पता चलता है? मेल होने का, मेल मेंबर्स का पता चलता है, वो होते हैं कौन से मेंबर होते हैं वो जेंडर? मस्कुलिन जेंडर। द नाउन दैट रिप्रेजेंट द मेल मेंबर्स आर कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। ओके। सेकंड इज फेमिनिन जेंडर। द नाउन दैट रिप्रेजेंट द फीमेल मेंबर्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ऐसे नाउन जो जिससे हमें फीमेल होने का पता चलता है, फीमेल मेंबर्स होने का पता चलता है, वो होते हैं फेमिनिन जेंडर। फॉर द एग्जांपल काउ, विमेन, लेडी, गर्ल, विक्सिन, क्वीन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिससे हमें द नाउन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेंबर्स मेल एंड फीमेल। The noun that represent both members, male and female, जिससे हमें both male और female होने का, यानी दोनों का पता चलता है जिससे, तो वो क्या होते हैं? Common gender. For example, doctor. देखो doctor है, वो lady भी हो सकती है, male भी हो सकता है, female भी हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे noun जो जिससे हमें दोनों में से किसी एक होने का पता नहीं चलता है, या कि जो दोनों हो सकते हैं, टीचर, टीचर भी दोनों हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पेशेंट, जो पेशेंट होता है वो भी, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पेशेंट, तो अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट। पुलिस, पुलिस भी कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, पेशेंट, इस तरीके से एग्जाम्पल किसमें आएगा? कॉमन जेंडर में। एंड देन इसके आपके अलावा आपको फेमिनिन जेंडर को मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करने का आना चाहिए, जैसे बॉय का गर्ल, मैन विमेन, काउ, काउ का बुल, कॉक हैन, ओके, से किंग क्वीन, इस तरीके से। सो ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर बी, पिक आउट नाउन एंड राइट दैम इन प्रॉपर कॉलम। या तो आप ये वाला क्वेश्चन, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर ए देख रहे हैं आप लोग, लुक एट द पिक्चर एंड राइट मस्कुलिन जेंडर बिलोंगिंग टू देम। मदर, मदर का हमें मस्कुलिन जेंडर करना, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, क्वीन, किंग, हैन का होगा कॉक, काउ, बुल, लॉयंस, लॉयन, मेयर का होगा हॉर्स, बिच, डॉग, गॉडेस, गॉड, मैडम, सर। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर ए टू इन योर बुक। थैंक यू।